में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सीरीज के बारे में जिसे देखना ही सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 6 पर है दिल समझ जा जरा। दोस्तों, इस सीरीज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक गाने का लिरिक्स जरूर आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये गाने का लिरिक्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में एक अलग ही टाइप की लिरिक्स छेड़ी जाती है। और ये लिरिक्स असल में क्या है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जिसकी शादी हो रही होती है, और शादी होने से पहले ही बहुत सारा कांड भी हो रहा होता है। और असल में ये कांड क्या है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। इसकी IMDb रेटिंग दोस्तों है नहीं, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं उल्लू ओरिजिनल पर। नंबर 5 पर है नंबर ही। दोस्तों, ये सीरीज नहीं बल्कि नंबर ही है। दोस्तों, इस सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे टीचर से जो कि हर एक लड़की को पढ़ा रहा होता है, और हर एक लड़की को नंबर देने के लिए वो उन लड़कियों को यूज कर रहा होता है। लेकिन असल में लास्ट तक इस टीचर का अंजाम क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की कोई भी IMDb रेटिंग है नहीं, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं उल्लू ओरिजिनल पर। नंबर 4 पर है चुस्की। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज सच में एक वाहियात कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है, लेकिन फिर भी इस सीरीज को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है इंटरनेट पर। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे ससुर से जो कि अपने बहू पर डोरे डाल रहा होता है, और लास्ट तक ये ससुर अपने बहू के साथ क्या क्या करता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी भी दोस्तों कोई IMDb रेटिंग है नहीं, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं उल्लू ओरिजिनल पर। नंबर 3 पर है क्राइम एंड कन्फेशन। दोस्तों, इसके टोटल 3 सीजन रिलीज कर दिए गए हैं, यानी कि आप सोच ही सकते होंगे कि ये सीरीज कितनी ज्यादा पॉपुलर है। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज के हर एक सीजन में आप देखने वाले होते हैं एक मर्डर हो जाता है, और इसी मर्डर केस को कंप्लीट सीरीज में सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस सीरीज में मर्डर केस को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अनोखा होता है, जिसे देखने के बाद आप भी सदमे में आ सकते हैं। सीरीज की प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली अच्छी ही होगी, अदरवाइज ये इतने सारे सीजन क्यों रिलीज करेंगे भला। इसकी दोस्तों कोई भी IMDb रेटिंग है नहीं, लेकिन इसे चाहे तो आप देख सकते हैं ALT बालाजी पर। नंबर 2 पर है फ्लाइट अटेंडेंट। दोस्तों, इस सीरीज में कुछ होना हो, लेकिन इस सीरीज की स्टोरी आपको हल्की फुल्की नजर आने वाली होगी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फ्लाइट अटेंडेंट से जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात बिता रही होती है, लेकिन सुबह होते ही वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है, और वो वहां से भाग जाती है। और कंप्लीट सीरीज में इसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, और लास्ट तक मर्डर मिस्ट्री को किस तरह रिवील की जाती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में एटलीस्ट आप अच्छा खासा सस्पेंस और अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 4.2, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं इरोस नाउ पर। और नंबर 1 पर है सीए टॉपर। दोस्तों, ये सीरीज सच में टॉपर है। सीरीज के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे सीए टॉपर से, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही होती है, और वो अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मेल प्रोस्टिट्यूट बन जाता है। और मेल प्रोस्टिट्यूट बनने के बाद उसकी लाइफ कैसी होती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप अच्छा खासा कॉमेडी एंजॉय करने वाले होते हैं। एटलीस्ट इस सीरीज की एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होती है। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7, इसे नेटफ्लिक्स पर चाहे तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।